सृष्टि आश्रम BARC बाग बाग 2022 इसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं एप्लीकेशंस फॉर्म, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी, ठीक है, सैलरी और एज रिलैक्सेशन फॉर्म भी वगैरह सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो MSc फिजिक्स वाले भी इसको डाल सकते हैं, MSc फिजिक्स वाले भी डाल सकते हैं इसको, MSc केमिस्ट्री वाले भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो MSc में 60% मार्क्स होने चाहिए, क्लियर, ठीक है। MSc प्रीवियस में जो बंदे हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, MSc फाइनल जिनकी कंप्लीट है या रनिंग में चल रही है वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, रनिंग वाले भी फिल कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी एग्जाम भी हो गई और आपका रिजल्ट नहीं आया, ट्रेनिंग भी स्टार्ट, आपका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई, उसके बाद भी, ट्रेनिंग के बाद भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो वहां से वो कंसिडर कर लेते हैं, फाइनल मतलब जॉब पर लगने से पहले वो इस चीज को कंसिडर कर लेंगे। तो अगर ट्रेनिंग के बाद भी आपका रिजल्ट आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 60% बताई गया, हाँ, एज रिलैक्सेशन किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वो SC कैटेगरी हो, SC हो, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो सबके लिए 60% मार्क्स जरूरी है। फॉर्म फी आपकी 500 है, लेकिन SC ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये यहाँ पर कोई फी नहीं लगी, कॉस्ट रहेगा, क्लियर बात क्या था, ठीक है। मेन तो होती है एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो 60% होना आपकी जरूरी। हाँ, एक चीज और, MSc एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सारे लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ओनली केमिस्ट्री होना चाहिए। एनवायरमेंटल और एनालिटिकल पहले भर देते थे, अब इस फॉर्म को ये लोग नहीं भर सकते, ठीक है। पोस्ट है वो साइंटिफिक ऑफिसर की है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है और बेसिक रहेगी 56,100, ये सैलरी आपकी रहेगी, ठीक है, और साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका रिटर्न हुआ, इंटरव्यू होगा, ठीक है, रिटर्न दोगे, फिर इंटरव्यू के लिए क्लियर करोगे, और इंटरव्यू में अगर हो जाता है तो आपका फिर ट्रेनिंग के लिए जाएगा, ठीक है। देखो, दो तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर, गेट के थ्रू भी आप, गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, स्कोर कार्ड आपके पास अगर हो और अच्छी स्कोरिंग वहां पर हो आपकी तो उसके थ्रू भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू भी भर सकते हैं, आपका वर्चुअल कैलकुलेटर वहां पर रहेगा एग्जाम के अंदर, ऑनलाइन एग्जाम के लिए भर सकते हैं। तो जब आप क्लिक करोगे उस पर तो ऑप्शन आएगा बोथ, तो आप गेट का भी भरना, ऑनलाइन एग्जाम के मतलब बोथ का भर देना, तो जो भी है आपका वहां कंसीडर हो जाएगा। एग्जाम में ज्यादा मार्क्स है तो एग्जाम के थ्रू हो जाएगा, और अगर गेट का स्कोर कार्ड अच्छा है तो गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप रिस्क ना लें कि गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू ही डाल दें अगर आपके अच्छे मार्क्स हो, आप बोथ में ऑप्शन क्लिक करिए जिससे आपका दोनों ही चीजें हो जाएंगी, ठीक है, कैलकुलेटर वर्चुअल रहेगा ही वहां पर। देखिए, फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है 17 जैन, फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग डेट है 17 जैन। अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट अपनी रखी हुई है इन्होंने 11th फेब, ये लास्ट डेट है, ये स्टार्टिंग है फॉर्म भरने की, 11th फेब लास्ट डेट है, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करें तो 7th to 13th April 2022, यहां पर एग्जाम डेट होगा आपका 7th to 13th। रिटर्न की बात हो रही है यहां पर, रिटर्न नॉट इंटरव्यू, रिटर्न की टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। और हाँ, आप थोड़ा पहले फॉर्म भरना, लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले फॉर्म भरना जिससे आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर हो वो आपके अकॉर्डिंग मिल जाए, ठीक है। वैसे 3 एग्जामिनेशन वहां पर आपको चूज करने होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबल तीनों सेंटर में से आपका एक सेंटर दे देते हो, ठीक है। और अगर मान लो आप लोग बात करें, हम लोग रिजल्ट की बात करें, तो 18th अप्रैल को इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिटन टेस्ट का 18th अप्रैल को रिजल्ट आएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे आप लोग, ठीक है। फिर जो इंटरव्यू होगा वो 14th जून to 31st जुलाई, इस डेट के बीच में होगा, 14th जून to 31st जुलाई, ये इंटरव्यू डेट है। कौन सी डेट है? ये इंटरव्यू की डेट है, ठीक है। और इसका रिजल्ट आएगा 18th अगस्त, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, सबसे पहले जो फॉर्म की डेट है फिल करने की, 17 से स्टार्ट हो रहा है, 11 फेब लास्ट है, एग्जामिनेशन इसके बीच में होगा 7 to 13 अप्रैल, ठीक है। 28 को रिजल्ट आ गया, 14 जून to 31st जुलाई को इसका इंटरव्यू डेट है, और रिजल्ट बहुत ही जल्दी 18 अगस्त को इसका इंटरव्यू दे देंगे, फिर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, जो बंदे सेलेक्ट हो रहे, ठीक है। देखिए, जिसका
पेपर होगा वो एमसीक्यू टेस्ट होगा। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा, ठीक है। वन क्वेश्चन थ्री मार्क का होगा, थ्री मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हुई एक मार्क कटेगा, वन मार्क कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग में, और थ्री मार्क्स का वन क्वेश्चन होगा, हंड्रेड क्वेश्चन होंगे, हंड्रेड इंटू थ्री मतलब 300 मार्क्स का टोटल अपना टेस्ट होगा, जिसमें से पर क्वेश्चन वन मार्क नेगेटिव मार्किंग के लिए कटेगा, ठीक है। और अगर बात करें केमिस्ट्री की तो लगभग 150 to 175 इतनी अगर मार्किंग होती है तो जनरली सिलेक्शन के चांसेस है, 150 to 175 के बीच में सिलेक्शन के चांसेस है। हाँ, अगर सिलेबस की एग्जाम की बात करें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो अगर आप नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नेट और गेट की जो प्रिपरेशन है सेम वही प्रिपरेशन बाकी है, ठीक है। हाँ, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गई थी पहले, कि ये जो टेस्ट देने के लिए आपके पास बीएससी ट्वेल्थ क्लास में, ट्वेल्थ की बात करें, ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री हो, ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स हो, और बीएससी में फिजिक्स नेसेसरी, बीएससी में क्या हो, फिजिक्स हो आपके पास। हाँ, जरूरी नहीं कि आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर आपके पास फिजिक्स ही हो, अगर एक सेमेस्टर में भी आपके पास फिजिक्स हो तो भी चलेगा, पर एक सेमेस्टर के अंदर एटलीस्ट फिजिक्स होना जरूरी है, और ट्वेल्थ के अंदर मैथ्स होना जरूरी है। मैथ्स फिजिक्स तो होती होती है बायो वालों के पास भी, इसका मतलब ये कि बायो वाले फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि हाँ, अगर मान ली किसी ने बोथ ले रखा हो, बायो प्लस मैथ्स ले रखा हो 11th 12th में, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके पास बीएससी में भी एक ना एक सेमेस्टर में तो फिजिक्स रहा ही होगा, ठीक है। तो ये लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और याद रखना मोबाइल नंबर अपना और अपनी ईमेल आईडी अच्छे से वेरीफाई करवा लेना, क्योंकि वहां मेल के जरिए आपका कन्वर्सेशन होता है, या फिर फोन नंबर में आपको मैसेज आ जाएगा, फोन नंबर अगर आप जो फोन नंबर वही देना जो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं बात 2022, और जल्दी जल्दी जाकर फॉर्म फिल कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।